ट्रेन में लास्ट अटैक का ट्रेलर, 7 दिन में सबसे बड़ा कहर। क्रीमिया के बाद डोनबास बनेगा रशिया। ताइवान में क्या करेगा चाइना? रूस वर्सेज यूक्रेन, चीन वर्सेज ताइवान, थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोड 9/11। रूस के हमले के 6 महीने बाद यूक्रेन पर अब सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राजधानी कीव में सायरन की आवाज सनसनी फैला रही है, यूक्रेनी लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है। यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे यानी कि 24 अगस्त को बड़े हमले की आशंका जाहिर की गई थी। हमला हुआ भी, लेकिन वो महज ट्रेलर था। 24 घंटे पहले यूक्रेन में क्या कुछ हुआ, ये तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया को अलर्ट करने वाली खबर आप सुन लीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ही ये खबर दी है कि यूक्रेन पर अगले 1 हफ्ते में बड़ा विस्फोटक हमला हो सकता है। रूस 24 फरवरी से ही यूक्रेन पर नॉनस्टॉप बम, मिसाइल और रॉकेट बरसा रहा है। यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस पर भी रूस ने रॉकेट दागे, अब की बार टारगेट चलती ट्रेन थी। पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क के पश्चिम में करीब 145 किलोमीटर पश्चिम में चैपलने में हुए इस हमले में ट्रेन की 4 बोगियां राख हो गई। इस हमले में 25 की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इत्तफाक से यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे यानी 24 अगस्त को ही रूसी हमले के 6 महीने पूरे हुए। इस दिन अमेरिका के अलर्ट के बाद यूक्रेन को रूसी हमले का डर था। ऐसे में राजधानी कीव में स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी नहीं मनाया गया। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में ही एक और हमला हुआ, लेकिन यह हमला रूसी सेना ने नहीं बल्कि रूस समर्थक विद्रोहियों ने किया। इस हमले में विद्रोहियों ने यूक्रेनी सेना के मेड इन अमेरिका M777 होविट्ज़र को बर्बाद कर दिया। विद्रोहियों के मुताबिक उसकी आर्टिलरी ने पूरा खूब इलाके में यूक्रेनी फोर्स के M777 होविट्ज़र को ढेर कर दिया। एक तरफ रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़े प्लान को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। पुतिन का वो प्लान भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीते 180 दिनों से रूस से लोहा ले रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास देखिए, जो रूस को यूक्रेन की जमीन से खदेड़ देने का दम भर रहे हैं। Дорогі українці, вже майже ніч завершується наш головний день, день незалежності України. Наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш день незалежності буде, і 33-й, і всі наступні. Скільки триватиме час на землі? Україна назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою. І це розуміють абсолютно всі у світі, від Радбезу ООН до всіх столиць без виключення. Тому не відступаємо з нашого шляху, боремось, дякуємо усім, хто нас підтримує. यूक्रेन के मुताबिक इस जंग में उसके 9000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहरों के नामो निशान तक मिट गए हैं। लेकिन यूक्रेनी सरकार के कॉन्फिडेंस का आलम ये कि वो खुद से कई गुना ज्यादा नुकसान रूस को पहुंचाने के दावे कर रही है। यूक्रेन के मुताबिक युद्ध में रूस को अब तक 45,700 जवानों से हाथ धोना पड़ा है। 1924 टैंक, 4,243 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 1,036 आर्टिलरी यूनिट, 286 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 147 एयर डिफेंस सिस्टम, 234 लड़ाकू विमान, 199 हेलीकॉप्टर, 819 ड्रोन, 196 क्रूज मिसाइल, 15 युद्धपोत, 3,160 गाड़ियां और फ्यूल टैंकर्स और खास उपकरणों की 99 इकाइयां नष्ट की जा चुकी। यूक्रेन बीते 6 महीनों से जारी जंग में लगातार रूस को आघात पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो दुनिया के सामने है। साफ तौर पर देखा जा सकता है उन तस्वीरों को, जिसमें ये साबित होता है कि कैसे रूस मिसाइल से और रॉकेट से लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। और अगर अमेरिकी इनपुट एकदम सही साबित हुआ तो सबसे बड़ा हमला आने वाले 7 दिनों में होगा। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक के बीच रूस ने एक और बड़ा प्लान किया है। बताया जा रहा है कि रूस 11 सितंबर को एक जनमत संग्रह कराने जा रहा है। इस जनमत संग्रह में रूस पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को खुद में शामिल करने को अंजाम तक पहुंचाने जा रहा है।
अब तक डोनबास के करीब 60% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब बाकी बचे 40% इलाके पर कंट्रोल के लिए रूस ने जनमत संग्रह का फैसला लिया। ये प्लान भी ठीक उसी तरह का है जैसे रूस ने क्रीमिया को खुद में मिला लिया था। रूस के मुताबिक उसका यूक्रेन प्लान धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, यानी यूक्रेन की जमीन पर इस तरह की बमबारी कभी आगे भी जारी रहने वाली है। हालांकि सच ये भी है कि लाख कोशिशों के बावजूद रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने में नाकाम रही। उसका जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी रूस के कब्जे में है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र की टेंशन भी बढ़ गई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर रूस से यूरोप के इस सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को खाली करने और इसे यूक्रेन सरकार के हवाले करने की अपील की है। Any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant are simply unacceptable. Any further escalation of the situation could lead to self-destruction. The security of the plant must be ensured and the plant must be re-established as purely civilian infrastructure. हालांकि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन पर इस अपील का कितना असर होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर ऐसी तमाम गुजारिशों और गुहारों को पुतिन ठुकरा चुके हैं। Today marks 6 months of Russia's premeditated, unjustifiable and brutal full-scale war against Ukraine. Just 6 months since we, sitting here in the council chamber, watched as Russia, serving in the presidency, attempted to defend the indefensible. Let's be clear. The international community will never recognize Russia's attempt to change Ukraine's borders by force. अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश यूक्रेन में एकतरफा युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हैं। तमाम देश यूक्रेन पर रूस के बारूदी हमले को इंसानियत के खिलाफ बताते रहे हैं, लेकिन ऐसे आरोपों और दलीलों को अनसुना कर रूस का अटैक नॉनस्टॉप जारी है। यूक्रेन युद्ध को रूस बार बार स्पेशल ऑपरेशन का नाम देता है। इसे यूक्रेन को नाजीकरण और नाटो के चंगुल से बचाने की कवायद बताता है। Это война, уносившая жизни мирных жителей в течение 8 лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил минские договоренности. Однако ни украинским властям, ни их зарубежным покровителям это не было нужно. Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса. В этих условиях для установления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России, у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются. Еще раз повторю, если бы выполнялись Минские соглашения, никакой спецоперации не потребовалось бы. भारत युद्ध के खिलाफ है, लेकिन सच ये भी कि रूस हमेशा से भारत का सदाबहार दोस्त रहा है। ऐसे में यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग से एक तरफ भारतीय प्रतिनिधि ने परहेज बरता है तो दूसरी तरफ सरकार ने यूक्रेन की हर मुमकिन मानवीय मदद भी की है। As we meet to mark 6 months since the beginning of the ongoing conflict in Ukraine, India is ready to dispatch its 12th consignment of humanitarian aid to Ukraine. Consisting of 26 types of medicines, including hemostatic bandages meant to stem the bleeding of deep wounds in children and adults. This was a specific request by the Ukrainian side, and we have made sure that we will be reacting in the fastest possible time to meet this. यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के दौरान भारत ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन से कूटनीति और बातचीत के जरिए हिंसा को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की है। India remains deeply concerned over the situation in Ukraine. The conflict has resulted in loss of lives and countless miseries for its peoples, particularly for women, children and the elderly, with millions becoming homeless and forced to take shelter in neighboring countries. We believe that going forward, we need to focus on the following aspects. One, in terms of diplomacy, India continues to advocate for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia. Prime Minister Narendra Modi has himself more than once spoken to them in this regard.
यूक्रेन को लेकर दुनिया की गुजारिशें रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अब तक अनसुनी ही की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब तक जो हमले हुए वो तो महज ट्रेलर थे, आने वाले दिनों में यूक्रेन पर पहले से भी बड़े और विस्फोटक हमले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश ही रूस से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, बल्कि रूस में भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो लगातार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार्रवाई का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन लोगों में शामिल रूस के चौथे सबसे बड़े शहर के पूर्व मेयर भी हैं, जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन की कार्रवाई का विरोध किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। रूस की पुलिस ने 2013 से 2018 तक येकातेरिनबर्ग के मेयर रहे येवगेनी रोइजमैन को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद बनाए गए कानून के तहत रोइजमैन को गिरफ्तार किया गया। अगर अदालत में उन पर आरोप सही साबित हुए तो उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है। रूस में जहां युद्ध विरोधी नेता को हवालात भेज दिया, वहीं यूक्रेन की मदद के लिए वहां की सरकार ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से नवाजा। जॉनसन ने यह अवार्ड खुद कीव जाकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हाथों कबूल किया। रूस पर दबाव बनाने के लिए पश्चिमी देशों के कूटनीतिक प्रयास अब तक नाकाम ही रहे हैं। पुतिन की ताकतवर सेना से मुकाबले के लिए अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो के कई देश यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद कर चुके हैं। अब युद्ध के 6 महीने पूरे होने के बाद भी अमेरिका ने यूक्रेन को $3 अरब की सैन्य मदद का ऐलान किया, ताकि यूक्रेनी आर्मी रूसी मिसाइल, रॉकेट और बमों का सामना कर सके। यूक्रेन को लेकर रूस के इरादे जग जाहिर हैं। ये बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाकर रहेंगे, और इसी तरह के इरादे जो हैं वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी हैं, जो किसी भी कीमत पर ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने का दम भर रहे हैं। चीन कह चुका है कि चाहे जैसे हो वो ताइवान को खुद में मिलाकर ही दम लेगा। ताइवान को डराने के लिए चाइनीज आर्मी अगस्त के महीने में ही 3 दौर की वॉर एक्सरसाइज कर चुकी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए बेहिसाब रॉकेट और मिसाइलें दाग चुकी है। ताइवान को चारों तरफ से घेरकर लड़ाकू विमान और युद्धपोतों की ताकत दिखा चुकी है, लेकिन ताकत में चीन से कई गुना कम ताइवान के हौसले भी कम नहीं है। जवाब में उसकी आर्मी ने युद्धाभ्यास किया। अब ताइवान ने इस साल अपने रक्षा बजट में इजाफे का भी फैसला किया है। ताइवान सरकार ने अगले साल डिफेंस पर $19 अरब खर्च करने का ऐलान किया। ताइवान ने चीन से मुकाबले के लिए नए लड़ाकू विमान समेत मॉडर्न हथियार खरीदने का प्लान बनाया है। ताइवान की साई इंग वेन सरकार 2023 में जीडीपी का 2.4% डिफेंस पर खर्च करेगी। हालांकि ताइवान और चीन के रक्षा बजट में 15 गुना से ज्यादा फर्क है। 2022 में चीन का रक्षा बजट करीब $16.8 अरब था, जबकि ताइवान का $230 अरब। ये पूरी दुनिया को पता है कि सैन्य ताकत के मामले में चीन के आगे ताइवान कहीं टिकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, उसकी सैन्य मदद कर रहा है, उसे देखते हुए ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो नतीजा यूक्रेन की तरह ही हो सकता है। ऐसे में अगर यूक्रेन के बाद ताइवान में भी वॉर फ्रंट खुला तो नतीजा विश्व युद्ध जैसा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।